जमशेदपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर के ऊपर लगातार हो रहे हमले और विरोध प्रदर्शन के खिलाफ आईएमए जमशेदपुर के बैनर तले डॉक्टरों की एक टीम ने प्रेस वार्ता कर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। सोमवार को टाटा मुख्य अस्पताल में मरीजों की मौत के बाद हुए हंगामा, इलाज के दौरान जांच के बाद कोरोना पॉजिटिव होने, मौत के बाद कोरोना पॉजिटिव बॉडी की मांग करने के मामले में चिकित्सकों पर इल्जाम लगाए जाने के विरोध में आईएमए जमशेदपुर ने जिले के उपायुक्त से समाज में भ्रांतियां फैलाने वालों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आईएमए जमशेदपुर के सदस्य डॉक्टर सौरभ चौधरी ने कहा कि विगत सोमवार को टाटा मुख्य अस्पताल में मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ और मरीजों को कोरोना नहीं होने की बातें परिजनों द्वारा कही गई। साथ ही समाज के बीच कुछ लोगों के द्वारा अलग अलग माध्यमों से यह बात फैलाई जा रही है कि जानबूझकर अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सक लोगों को कोरोना संक्रमित करने में जुटे हैं और उनके शरीर के अंग भी निकाल लिए जा रहे हैं, जो सरासर गलत है। इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा उल्टा अधिकतर कोरोना संक्रमितों का इलाज करते करते डॉक्टर खुद संक्रमित हो चुके हैं और शहर के 3 चिकित्सकों की मृत्यु भी कोरोना संक्रमण के कारण हो चुकी है। वहीं उन्होंने कहा कि यह भ्रांतियां भी फैलाई जा रही है कि एक मरीज के पीछे अस्पताल को 1.5 लाख रुपए सरकार की तरफ से दी जा रही है, जबकि टाटा मुख्य अस्पताल में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों का इलाज हो रहा है। वहां का पूरा खर्च खुद टाटा स्टील और टाटा ट्रस्ट वहन कर रही है। इन्होंने कहा कि ऐसे भ्रांतियों से लोगों को बचने की जरूरत है, क्योंकि इस भ्रांति के कारण लोग सावधानी बरतना छोड़ दे रहे हैं और संक्रमण ज्यादा बढ़ रहा है। वहीं उन्होंने जिले के उपायुक्त से वैसे लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है जो इस तरह की भ्रांतियों को समाज में फैलाने का कार्य कर रहे हैं। एसोसिएशन और जमशेदपुर नर्सिंग होम एसोसिएशन, इसके तत्वावधान में हम लोगों ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, जिसका मूल मकसद है जो समाज में तरह तरह की भ्रांतियां और भ्रम डॉक्टरों के खिलाफ फैलाए जा रहे हैं, उनका खंडन करना, उनकी तीव्र निंदा करना। हमारा डॉक्टरी समाज पूरे कोरोना काल की शुरुआत से दिन रात सेवा में लगा हुआ है, मरीजों की जान बचाने में लगा हुआ है। अपने जान की परवाह न करते हुए हमारे कई डॉक्टर संक्रमित हो गए हैं, अपने घर पे पड़े हुए हैं परिवार समेत। हमारे कुछ डॉक्टर एक्सपायर भी हो चुके हैं, डॉक्टर वीरेंद्र सेठ, डॉक्टर एम एम अग्रवाल, डॉक्टर जे पी लाल, लेकिन फिर भी पब्लिक को लगता है कि डॉक्टर जानबूझ के पेशेंट को पॉजिटिव बता दे रहे हैं, उनको मार दे रहे हैं, उनके ऑर्गन, उनकी किडनी लिवर निकाल ले रहे हैं। इस तरह की जो बकवास बातें समाज में कुछ धूर्त लोगों द्वारा फैलाई जा रही है, उसके खंडन करने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। क्या ये संभव है किसी का ऑर्गन निकाल लेना? ये किस तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही है? हम इसका तीव्र खंडन करते हैं और उपायुक्त महोदय से ये मांग करते हैं कि जो भी लोग इस तरह की अफवाह फैलाने में शामिल हैं या जो लोग इस तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि उनको एक सबक मिल सके और इस तरह की भ्रांतियां समाज में नहीं फैले। इससे समाज का नुकसान भी है। लोग फैला दे रहे हैं कि कुछ कोरोना वरना नहीं है, डॉक्टर लोग मार दे रहे हैं, इसके नजर में अब वो अपने प्रिकॉशन भी नहीं ले रहे हैं, उनको तो लगता कोरोना है ही नहीं, ना वो मास्क पहन रहे हैं, ना डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली इसका नुकसान समाज को ही है। तो इस तरह की भ्रांतियों को निरक्ष करना बहुत जरूरी है। तो आपके माध्यम से मैं जनता को जागरूक करना चाहता हूं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड करता हूं, मांग करता हूं कि इस तरह के लोगों पे अंकुश लगाने की और कार्रवाई शीघ्र करें। लोग फैला रहे हैं कि एक एक हॉस्पिटल को 1.5 लाख रुपया मिल रहा है पर पेशेंट, इसीलिए वो उसको कोरोना पॉजिटिव बता के मार दे रहे हैं ताकि उनको पैसा मिले। बिल्कुल बकवास बात है ये। टाटा मेन हॉस्पिटल पूरे निःशुल्क इलाज कर रहा है, उसको पैसा टाटा ट्रस्ट और टाटा स्टील दे रही है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। इसका खंडन करना बहुत जरूरी है और आप लोग के माध्यम से जनता तक ये बात फैलाना हमारा कर्तव्य है।